केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस को हमेशा शकुनी चौसर और चक्रव्यूह याद आते हैं। जब हम महाभारत काल में जाते हैं तब हमें तो कन्हैया याद आते हैं, अनीति और अधर्म किसने किया, ठगी किसने की। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मैं उनका आदर करता हूं, वह रूस से एक मॉडल देख कर आए और कहा कि इसे लागू करो। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि ये गलत है, 17 साल प्रधानमंत्री रहे लेकिन क्या हुआ, अमेरिका से सड़ा हुआ लाल गेहूं और भारत को खाने पर मजबूर किया गया। शिवराज सिंह ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी के जमाने में जबरदस्ती लेवी वसूली का काम किया जाता था, भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। राजीव गांधी ने एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की बात जरूर की लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। नरसिम्हा राव की सरकार में भी कृषि से जुड़े उद्योगों की भी डी लाइसेंसिंग नहीं की। 2004 से 2014 की क्या बात करूं, उस समय घोटालों के देश में जाने जाते थे। भारत की राजनीति में राजनीतिक क्षितिज पर एक दीप्यमान सूर्य का उदय हुआ है जिसने पूरे देश को विश्व से भर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि की प्राथमिकताएं बदल दी।